दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर के यूट्यूब चैनल में। और आज फिर आपको बताने वाला हूं चार दवाइयां और उनके खास लक्षण के बारे में। दोस्तों लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं, आप बड़े ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। दोस्तों अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से आपको गैस बनता है, आपको तेजाब बनता है और आपको चक्कर आते हैं, तो आपको मेडिसिन लेनी है कोल्चिकम। कोल्चिकम 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाई लेके तीन तीन बूंदें दिन में 3-4 बार अगले 1 से 2 दिन आप लेंगे। जब आप ठीक हो जाएंगे तो दवाई बंद कर देंगे। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि अगर कॉफ़ी पीने से आपको गैस बनता है, तेजाब बनता है और चक्कर आते हैं, तो मेडिसिन है दोस्तों कोस्टिकम 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाई आपने लेनी है और तीन तीन चार चार बूंदें दिन में 3-4 बार 1 से 2 दिन आपने लेनी है। जब आपके चक्कर ठीक हो जाए तो आप दवाई को बंद कर दीजिए। तीसरी दवाई है दोस्तों अगर चाय पीने से आपको गैस बनता है, तेजाब बनता है और आपको चक्कर आते हैं, दोस्तों दवाई है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिसको थूजा बोलते हैं। थूजा की 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाई लेके तीन तीन चार चार बूंदे दिन में 3 से 4 बार 1 से 2 दिन आप इस्तेमाल करेंगे। जब ठीक हो जाएंगे तो बंद कर देंगे। चौथी दवाई है दोस्तों अगर कोई चिकना खाना खाने से या कोई चिकनाई वाली ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ लेने से आपको गैस बनता है, आपको तेजाब बनता है और आपको चक्कर आते हैं, तो पल्सेटिला 30 की तीन तीन चार चार बूंदे दिन में 3-4 बार अगले 1 से 2 दिन आप लेंगे। जब आपके चक्कर ठीक हो जाएंगे तो दवाई को बंद कर देंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मुताबिक किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें टॉपिक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।